मध्य प्रदेश में 2018 विधानसभा चुनाव से पहले होने वाले मुंगावली उपचुनाव को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा के एक वीडियो से विवाद खड़ा हो गया है। वीडियो में प्रभात झा मुंगावली में सहायक शिक्षकों की बैठक लेते दिख रहे हैं। इसमें प्रभात झा सरकारी कर्मचारियों से बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की बात कर रही हैं। चुनाव में सरकारी कर्मचारी और शिक्षकों की ड्यूटी लगती है, ऐसे में बीजेपी पर चुनाव में सरकारी दबाव बनाने का आरोप लग रहा है। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत करने की बात कर रही है। कांग्रेस इस मामले में सबूत होने का भी दावा कर रही है। शिक्षकों ने चाय पर बुलाया था, चाय और मंगोड़ी खाई हमने उनके साथ, और हम हैं राजनीतिक कार्यकर्ता। उन्होंने अपनी बातें रखी, हमने कहा सरकार के हाथ मजबूत कीजिए, हम आपके साथ रहेंगे, उसमें क्या दिक्कत।